आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास का पहला चैप्टर हिंदी का, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, इस चैप्टर का क्या नाम है आपका, इस चैप्टर का नाम है धवनी, ठीक है। धवनी चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर आपका पोएम है ना, कविता है। चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसका सारांश देखेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करके हम वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए तो हम इसे पढ़ते हैं और इसका वो देखते हैं कि इसके क्या अर्थ है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में, मेरे वन में मर्दुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो इसके शब्दार्थ हैं उसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इसे समझने में और जानने में। चलिए तो पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए अब आपके यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, यहाँ क्या लिखा है, मर्दुल। मर्दुल माने क्या होता है, कोमल, मुलायम, सॉफ्ट, है ना। पात, पात माने क्या होता है, पत्ता, ठीक है। गात, गात माने क्या होता है, शरीर, ठीक है। निर्दित यानी सोया हुआ, जो मतलब सोया हुआ का मतलब ये नहीं है कि जो स्लीप कर रहा है यानी नींद में, नहीं, सोया हुआ का मतलब ये होता है जो अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों को डिफरेंट नहीं कर पा रहा है ना, जो अपने अलग ही दुनिया में, जिसको इस चीज़ के बिल्कुल ख्याल ना हो कि कल को जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे स्कूल खुल जाएंगे, हमें पढ़ाई करनी है ना, वो खेल में लगा है, टीवी देख रहा है, उसको कहते हैं सोया हुआ। यहाँ पर सोया हुआ का मतलब ये नहीं है कि रियल में कोई सो रहा है, ठीक है। प्रतियुष, प्रतियुष का मतलब क्या है, प्रतिकाल यानी कि सुबह सुबह सवेरे, ठीक है। तंद्रास लस, इसका मतलब क्या है, नींद से अलसाया हुआ, यानी वो इंसान जो नींद से सो के उठा है या नींद में है, सोने जा रहा, आलस भरा हुआ, ठीक है। लालसा, लालसा माने कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, इच्छा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके शब्दार्थ होते हैं। चलिए अब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब आपका यहाँ से शुरू होता है, ये क्या कह रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अंत माने ख़त्म होना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे वहाँ पे वसंत आया है। वसंत बहार के मौसम को कहते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पोएम में, कविता में, शायरी में, तो वसंत का मतलब होता है खुशी का आना, ठीक है। वसंत का मतलब क्या होता है, खुशी का आना। जैसे इंसान के बुरा दौर आता है, अब जैसे अभी सबका बुरा दौर चल रहा था भाई, कितने लोग परेशान हो गए, जॉब्स चली गई, है ना, खाने पीने को भी बहुत सारे लोगों पास पैसे नहीं थे, तो ये क्या था, ये हमारा बुरा दौर था। लेकिन अब धीरे धीरे गॉड सब कुछ सही कर रहे हैं, है ना। अब देखिए सबके अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, अब मेट्रो भी खुल जाएगी, और इसके अलावा भी देखिए आपके स्कूल्स भी आज नहीं तो कल खुल जाएंगे, तो क्या है, अब अच्छा दौर आ गया ना, सबको जॉब्स वापस मिल गई हैं, इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, लोग अब जॉब के लिए जाने लगे हैं। तो इस तरह से अब ये बुरा दौर था तो इसे हम लोग पतझड़ बोल सकते हैं, और जब ये खुशी का दौर आ रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वसंत, ठीक है, यानी कि खुशी का दौर। तो इसमें जो है ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मैं ख़त्म नहीं होऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए आप इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मतलब सामने दिखने वाला है, क्या होता है जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं ना, तो शायर उसमें डबल मीनिंग बातें भी करता है, मतलब कहता कुछ है लेकिन उसके मीनिंग कुछ और भी होते हैं जो उसमें छुपे हुए होते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा अगर ध्यान से सोचेंगे तब आपके समझ में आते हैं, ठीक। अब अगर आप देखें तो आप ये सोचेंगे कि ये जनरली बहार के मौसम यानी स्प्रिंग के मौसम की बात हो रही है ना, लेकिन असलियत में क्या होता है, ये हमारी ज़िंदगी की बात हो रही है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, ठीक है। हम इसे जनरली स्प्रिंग का मौसम यानी वसंत के मौसम के हिसाब से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हैं, आपको इस कविता के इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हरे हरे ये पात यानी ग्रीन ग्रीन पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, ठीक है, यानी सब कुछ जो भाई बाहर का मौसम आता है तो सब कुछ ग्रीनरी जो होती है वो अपने टॉप पे होती है बिल्कुल, है ना, यानी बिल्कुल टॉप पे ग्रीनरी होती है, हर चीज़ आपको खूबसूरत डार्क ग्रीन हरी भरी नज़र आएगी, हर चीज़ को देख के देखने का दिल करेगा, है ना, जितने भी पेड़ पौधे फूल जो भी हैं। मैं ही अपना स्वप, स्वप माने सपना, है ना, मर्दुल कर यानी मैं ही अपना सपना हूँ, क्योंकि मेरा सपना यही था, है ना। फिरूंगा निर्दा कलियों, निर्दित कलियों पर जा जगह एक प्रतिश मोहर, ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि मतलब ये जो बहार आई है ये मेरा सपना था,
अब मैं जग गया हूँ, अब ये जो सोई हुई कलियाँ हैं इनको भी मैं जगाऊंगा और इनको भी और ख़ूबसूरत बनाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर के मौसम में हर चीज़ में रौनक आ जाती है, हर चीज़ खूबसूरत मालूम होने लगती है, ठीक। पुष्प 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 यानी कि फूल, है ना। से तनलस लालसा खींच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, ठीक है। यानी अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो फूल कलियां जो मुरझाई हुई हैं, जो सो रही हैं, उनके अंदर से मतलब जो सुस्ती में पड़ी हुई हैं, है ना, उनके अंदर से वो सुस्ती में खींच लूँगा, ठीक है, और उनको कुछ मतलब करने की चाह दूंगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा जीवन है, मैं यही सब कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी फिर उनको मैं द्वार दिखा दूंगा, दरवाजे का रास्ता दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अंत अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है, जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जब खुशियां आती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये खुशियां अभी आई हैं, कभी नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ओके। चलिए तो हम देख लेते हैं इसके राइटर कौन है, यानी इसके पोएट कौन है। तो इसके जो कवि हैं उनका क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उनका कलमी नाम है, यानी पेट नेम है जो उन्होंने अपने लिए अपने आप रखा था, ठीक है। जब शायर शायरी करना शुरू करता है, कवि कविता लिखना शुरू करता है, तो वो एक अपने लिए डिफरेंट नाम चूज़ करता है, तो ये उन्होंने अपना नाम खुद चूज़ किया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका कविता से क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपके पेपर्स वगैरह में आते हैं, कविता से आगे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर आपके टीचर्स कहेंगे तो आप लोग कर लेंगे, वरना मैं सिर्फ आपको यही तीन क्वेश्चन समझाऊंगी, इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन अगर आपके टीचर कहें तो आप लोग कर लेंगे, ये अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए, ये क्वेश्चन आते नहीं है। वैसे भाषा की बात, ये सारे क्वेश्चंस आते नहीं है पेपर में, और टीचर्स भी इसको करने को नहीं कहते। अगर आपके टीचर कहें तो आप कर लें, नहीं तो मत करें। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्ज़ाम्स आपके सर पे खड़े होंगे, और उस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल से भी आपको इतना काम नहीं आ रहा है सिवाय वर्कशीट्स के। कुछ स्कूलों में हो भी रहा है काम, फोर्थ फिफ्थ तक चैप्टर्स हो गए हैं, लेकिन देखिए आप लोग अभी मस्ती में हैं, आप लोग पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर लें। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करें, और इसके अलावा रोज़ एक चैप्टर जैसे मैं डालूंगी, आप लोग ऐसे ही रोज़ एक चैप्टर कॉपी में करके उसे लर्न करें, और अपने भाई बहन माता पिता जो भी हैं उनको सुनाएं, ताकि आपको ये याद होता रहे कल जब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो जब आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आपको सब कुछ लर्न हो, ठीक है। चलिए अब आंसर्स को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए अब आपका पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो हमारे आंसर्स टाइप किए हुए थे ये थोड़े से ना मिसप्रिंट थे, इस वजह से यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बोलूँगी आप लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इतना भी ब्लर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे से मिल सके। चलिए आंसर देखते हैं। कवि को निम्नलिखित कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी कवि के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, यानी अपने ऊपर वो सेल्फ डिपेंड है, उसको यकीन है कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा, वो मतलब बहुत मेहनती है, ठीक है। कवि के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है, उपवन किसे कहा जाता है, गार्डन को एक तरह से, ठीक है। तो कवि का जो अपना गार्डन है उसमें अभी अभी वसंत आया है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, वसंत का जो आना है वो खुशी का आना है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा खुश है। वह अपने सपने भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है, ठीक है, और उन्हें अपने जीवन का अमृत जो है उससे हरा भरा करना चाहता है, यानी वो खुद है बहुत ज़्यादा मेहनती है, और वो ये चाहता है कि वो उन कलियों को जो सो रही हैं उनको भी जगा दे। असलियत में वो कलियाँ सो नहीं रही हैं, क्या होता है कि वो कलियाँ मतलब अभी खिली नहीं होती हैं ना, फूल नहीं बनी होती हैं, इसलिए तो वो कलियाँ हैं।
लेकिन जब वसंत का मौसम आता है तो सारे फूल जो सीजनी फूल होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं ना। अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो आप लोग, मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी मुगल गार्डन गए ज़रूर होंगे, तो वो देखिए बाहर के मौसम में यानी वसंत के मौसम में ही खुलता है, ठीक है ना, फैब में खुलता है। और वहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं। अगर आप लोग नहीं गए तो एक बार जाएं ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है, यानी वो जो फूल हैं वो हमेशा ज़िंदा रहें, उनका कभी अंत ना हो, उसके लिए कवि क्या क्या करता है। तो आपको पता है कि वो जो नींद में डूबी हुई हैं उनको जगाने की कोशिश करता है, जो कलियाँ हैं ना, क्या लिखा, कवि कलियों को निंदा दूर भगाने के या प्रयास करता है, यानी जो उनको नींद आ रही है, जो वो खोई हुई है, वो सोचता है कि वो भी दूर हो जाए। उसके अलावा यहाँ क्या लिखता है, वह उनका अतंदलस यानी कि जो उनके अंदर आलस भरा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करता है, वही चीज़ हो गई। ठीक है, वह अपने नवजीवन के अमृत हर्ष से यानी जो उसके जीवन में खुशियां हैं, जो उसको नई आशा की किरण मिली है, उससे वो उन कलियों को भी नया जीवन देना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कवि पुष्प की तंदा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। अब अगर आप देखें तो लगभग आपके तीनों क्वेश्चन ना सेम ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यही देखिए उसका वही आंसर है कि वो अपने जो सपने भरे हाथ हैं उनसे उनको खिलाना चाहता है ताकि वो जग जाएं और उनका जो आलस है वो सब भाग जाए। ठीक है, इसके अलावा वो उनके अंदर नई एक प्रगति लाना चाहता है, उन्हें एक संदेश देना चाहता है कि देखो जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी उठो, नींद को दूर भगाओ। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है कि उनका आलस जो है वो छीन लेना चाहता है ना। तो कुल मिला के आपके सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अब देखिए ये कविता से आगे जो आपके दिए गए, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ठीक है, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक, तो इसके ये देखिए इतने लंबे लंबे आंसर हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करनी है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझाऊँगी। इसका रीज़न ये है कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम से आते, बल्कि बिल्कुल ना के बराबर आते, कभी नहीं आते ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको नहीं कराए, लेकिन अगर आपके टीचर फिर भी करने को कहती हैं तो आप लोग वीडियो का पॉज करके यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो और इसके अलावा आप लोग इनको टाइम टू टाइम लर्न भी कर लेंगे। और ये जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतने लंबे लिखें, जो भी आपको पसंद आए, जितनी लाइनें लगे कि हाँ सिर्फ इतनी लाइनें काम की हैं, तो आप सिर्फ उतनी लाइनों को ही लिखें। क्योंकि देखिए ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखने के। ठीक है, अब देखिए मैंने चैप्टर्स बनाना शुरू किए हैं, तो आप लोग, मैं डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसे लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे। ठीक है, इसके अलावा जब आपके ये हिंदी के और इंग्लिश के SST साइंस सबके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में डालूंगी, जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन भी समझाऊंगी। ठीक है ना, अभी मैं फ़िलहाल वीडियो जो है वो फर्स्ट टर्म तक बना के ख़त्म करूंगी और उसके बाद फिर आप लोगों को इंग्लिश हिंदी की ग्रामर भी पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल से देख सकते हैं और अपने क्लास के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे काम कर सकें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।